सो हेलो स्टूडेंट के जॉब सर, स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैथोजेनेसिटी ऑफ फेशियल हर्पेटिका के बारे में। ये है पार्ट फोर एंड तीन पार्ट में हमने वो पीछे है वो फेशियोला के जैसे नर्वस सिस्टम के बारे में बात किया। ओके, फूड पाइप, आहार नाल वगैरह और मॉर्फोलॉजी, बॉडी वॉल सब के बारे में वो डिस्कस किया, नर्वस सिस्टम। और इस वाले ये लास्ट पार्ट रहेगा फेशियल हर्पेटिका के बारे में, जिसमें पैथोजेनेसिटी एंड इसमें ही डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइलेक्सिस हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो जैसे कि डिस्कस करते हैं पैथोजेनेसिटी से, और उसमें भी लीवर डैमेज वगैरह है वो किस प्रकार से होता है। सो लिटिल हार्म ऑक्यूरेंस बाई जुवेनाइल इन फिल्टरिंग द इंटेस्टाइन वॉल एंड द कैप्सूल सराउंडिंग द लीवर। हाउएवर मच नेक्रोसिस रिजल्ट फ्रॉम मूवमेंट ऑफ फ्लूक थ्रू द लीवर पेरेन्काइम। ओके, सो जब लीवर पेरेन्काइम सेल्स में है वो मूवमेंट है वो करते हैं तो नेक्रोसिस रिजल्ट देखने को मिलता है। नेक्रोसिस मीन्स एक्सीडेंटल जो सेल डैमेज वगैरह होती है, टिश्यू डैमेज होता है, हिपेटिक मीन्स लीवर के जो टिश्यू डैमेज होता है तो वो देखने को मिलता है, नेक्रोसिस देखने को मिलता है। एंड वॉर्म इन बाइल डक्ट कॉज इरीटेशन एंड एडेमा। ओके, सो इरीटेशन है वो कॉज है वो कर सकते हैं वॉर्म जब बाइल डक्ट में वो होते हैं। सो विच द सिमुलेट क्रिएशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू इन द वॉल ऑफ दिस डक्ट। ओके, एंड दस थिकंड द डक्ट कैन डील विथ लेस बाइल एंड आर लेस रिस्पॉन्सिव। ओके, सो वो है वो टू नीड टू द लीवर। तो लीवर है वो, लीवर डक्ट है वो काइंड ऑफ वो स्वेलोन हो जाती है, सूज जाती है, और वो है वो रिस्पॉन्स है वो कम देती है, फिर काम कम करती है, बाइल जूस है वो कम सिक्रेट करने लगती है। फिर बैक प्रेशर ब्रिंग एंट्रोपी ऑफ लीवर पेरेन्काइमा विथ कॉन्कॉमिनेंट सिरोसिस एंड लास्टली जॉइंडिस। सो जॉइंडिस हमें पीलिया रोग है वो देखने को मिलेगा। ओके, बिकॉज वहाँ पे है वो एंजाइम वगैरह को अफेक्ट करेगा जो कि हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन को वो कन्वर्जन में वो इन्वॉल्व होते हैं। एंड इन ओवरवेलिंग इन्फेक्शन द गॉल ब्लैडर इज हार्म्ड। तो गॉल ब्लैडर जो होता है बाइल, तो वो वहाँ पे है वो जो कि बाइल है वो सिक्रेट करता है तो वो हार्म होगा वहाँ पे, उसको नुकसान पहुँचेगा। एंड वॉल ऑफ द बाइल डक्ट आर डिस्टिंग्रेटेड कम्प्लीटली। ओके, तो वो वहाँ पे है वो। एंड सिम्टम की अगर हम बात करें सो हिपेटिक टेंडरनेस, एनीमिया, खून की कमी देखने को मिलेगी बिकॉज ब्रेक डाउन हो रहा है एंड यहाँ पे ब्लड है वो रिकवर है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो एनीमिया यहाँ पे वो देखने को मिलेगा। हिपेटोमेगेली, तो हिपेटोमेगेली देखने को मिलेगा। लीवर सेल है वो काइंड ऑफ स्वेलोन हो जाएगी लीवर्स भी है बिकॉज वहाँ पे फाइब्रोसिस हमें देखने को मिल रहा था, फाइबर्स है वो डीजनरेट हो रहे थे क्योंकि वहाँ पे मसल्स में जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स अगर डीजनरेट होंगे, अगर वो लूज हो जाएंगे डीजनरेट होकर, तो फिर मसल्स को पैक टाइटली पैक करने वाला कोई नहीं होगा तो वो ऐसे सूज जाएगा, काइंड ऑफ स्वेलोन हो जाएगा ना। तो जैसे कि बाइल डक्ट भी स्वेलो हो रही थी, लीवर भी है वो स्वेलोन हो जाएगा। लीवर की सेल्स को हिपेटिक सेल्स बोलते हैं तो उसी के कारण लीवर स्वेलोन हो रहा है तो इसको मतलब हिपेटोमेगेली है वो देखने को मिल सकता है। नोसेमिया और वोमिटिंग देखने को मिलता है, उल्टिया वगैरह है वो, और सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो चालू हो जाता है क्योंकि लीवर कहीं ना कहीं बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी से वो जुड़ा रहता है तो वो अगर डैमेज हो रहा है, वो अगर वीक हो रहा है तो कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम भी हमारा वीक होगा तो दूसरी बीमारियां भी है वो आके है वो यहाँ पे है वो लगने लग जाएगी, दूसरी बीमारियां भी है वो चालू हो जाएगी हिपेटिक से रिलेटेड। तो यहाँ पे जॉइंडिस वो पीलिया रोग है वो देखने को मिल सकता है, लेथार्जी एंड प्रोलॉन्ग्ड हाई फीवर है वो देखने को मिल सकता है। सो ए नंबर ऑफ पीपल सेंस इलनेस नियर द बिगनिंग ऑफ इन्फेक्टिविटी एंड वाइल इमेच्योर फ्लूक पास फ्रॉम द इंटेस्टाइन थ्रू द एब्डोमिनल कैविटी एंड लीवर। ओके, तो तब वहाँ पे है वो बिगनिंग में है वो थोड़ा फीवर है वो इलनेस है वो देखने को मिलता है जब यहाँ पे जब है वो लार्वा आता है, इमेच्योर लार्वा, मेटासर्केरिया लार्वा जब आता है गट के अंदर स्टोमच के बाद में ड्यूओडेनम के अंदर जब आता है और वो बाद में धीरे धीरे वो डेवलप हो जाता है एडल्ट में, देन कहीं ना कहीं वो कुछ एंजाइम सिक्रेट करता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो कि उसके ड्यूओडेनम या फिर इंटेस्टाइन की ये जो वॉल को है वो डैमेज करता है। डैमेज करने से है वो पोर क्रिएट हो जाएंगे, पोर क्रिएट होने के कारण ये इंटेस्टाइन के अंदर से
यहाँ पे ये जो कैविटी होती है बॉडी कैविटी सी लोम में आ जाएगा, और वहाँ से जैसे कि बाइल डक्ट में जाना है तो बाइल डक्ट में चला जाएगा, लीवर में चला जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे दे रखा है, ये इंटेस्टाइन के अंदर वाला पार्ट है, यहाँ पे वॉर्म है, वॉर्म ने प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सीक्रेट किया तो यहाँ पे पाथवे बन गया, और पाथवे बन के यहाँ से इसको छेद कर कर इंटेस्टाइन को ये यहाँ पे लीवर में आ रहा है ना, लीवर में आ जाएगा, बाइल डक्ट में आ जाएगा, ये है गॉल ब्लेडर एंड यहाँ पे ये है बाइल डक्ट, तो काइंड ऑफ यहाँ पे भी वो बाइलरी डक्ट में है वो आ जाता है। तो इस प्रकार है ये इन्फेक्ट है वो करता है। सो सिम्टम फ्रॉम द सार्पी माइग्रेटरी फेज कैन इमर्ज एज सुन एज एज अ फ्यू डे सब्सिक्वेंट टू द एक्सपोजर, टिपिकली 1 to 2 week यहाँ पे वो सिम्टम देखने को मिलते हैं, एंड कैन लास्ट प्लेंटीफुल वीक और मंथ। तो ये जब 1-2 week के बाद में है वो यहाँ पे है वो शुरू होते हैं अगर सिम्टम, लेकिन जब तक सिम्टम जब इन्फेक्शन हो गया है वॉर्म का, मेटासर्केरिया लार्वा जब शरीर के अंदर आ जाता है ह्यूमन के, और उससे लेकर जब तक है वो उसका सिम्टम नहीं दिखाई देता है, तब तक का पीरियड को हम बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। ये आप याद रखना, इनक्यूबेशन पीरियड। सो इनक्यूबेशन पीरियड होता ही क्या है, जब जब है वो इंट्रीली इन्फेक्शन हुआ तब से लेके सिम्टम जब शुरू हो जाते हैं तब तक का है वो पीरियड, इनक्यूबेशन का पीरियड है वो कहलाता है, ठीक है। सो हाउएवर सम पीपल फील इल ओनली इन द परसिस्टेंस फेज ऑफ द इन्फेक्शन, क्रोनिक फेज। सो कोई किसी पेशेंट में क्या होता है, क्रोनिक मतलब बहुत ज़्यादा लंबे समय तक, क्रोनिक मतलब लंबे समय तक है वो इनका इन्फेक्शन होता है तभी है वो उनमें उनमें सिम्टम देखने को मिलता है। सो विन मेच्योर एडल्ट फ्लूक आर इन द बाइल डक्ट, जब है वो मेच्योर एडल्ट है वो बाइल डक्ट में है वो बहुत सारे आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिम्टम कैन बी कॉन्सिक्वेंस फ्रॉम इन्फ्लामेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट, बाइल डक्ट को जब वो बहुत ज़्यादा है वो ग्रो कर जाएंगे, अगर लीवर फ्लूक तो बहुत ज़्यादा लीवर फ्लूक है वो ग्रो करने के कारण क्या हो जाएगा, बाइल डक्ट के अंदर है वो उसको रोक देंगे, बाइल डक्ट को है वो जाम कर देंगे, काइंड ऑफ है ना स्टॉप कर देंगे। तो ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बाइल डक्ट को वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने के कारण बाइल डक्ट है वो रुक जाती है, काइंड ऑफ है ना। सो ड्यूरिंग बोथ फेज ऑफ ऑफ द कंटामिनेशन अ क्लिनिकल फीचर कैन इंक्लूड फीवर ना, मेलियस, अब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना, जैसे इयोसिनोफिलिया एंड रेडिश कलर काइंड ऑफ वो होना, रक्त का वो कम होना, एनीमिया एंड हिप्योटोमेगली मतलब इन्लार्जमेंट ऑफ, यहाँ पे लिख भी रखा है, एंड अबनॉर्मल लीवर टेस्ट। एंड यहाँ पे हम अगर डायग्नोसिस की बात करें, डायग्नोसिस हम किस प्रकार से कर सकते हैं, सबसे पहले तो स्टूल सैंपल को हमें देखना होगा, जो मल मूत्र होते हैं उनके सैंपल को बाहर से ऑब्जर्व करना होता है, तो वो अगर है वो येलोइस ब्राउन एग अगर उनके ऊपर है वो देखने को मिले तो हम वो एग डोंट गेट सोन फॉर 4 month, लेकिन देखो 4 month तक वो एग दिखते नहीं है, ये हमें बात ध्यान रखनी है। अगर उससे पहले का अगर एक्यूट फेज है तो हमें स्टूल में तो वो डायग्नोसिस होगा नहीं, तो फिर डायग्नोसिस कैसे करेंगे, फिर हम डायग्नोसिस हम जो एंटीबॉडी टेस्ट है जैसे एलिसा इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट से है वो डायग्नोसिस करेंगे, अगर एक्यूट फेज है, अभी अभी इन्फेक्शन हुआ ही है तो मल मूत्र में ऑब्वियसली है वो एग उसके है वो नहीं होंगे, क्योंकि अभी तो एडल्ट ही है वो ढंग से नहीं बना है, पहले एडल्ट बनेगा फिर रिप्रोडक्शन होगा फिर एग जाके वो मल मूत्र में आएगा, स्टूल में आएगा, तो उसके बाद में हम वो स्टूल सैंपलिंग कर सकते हैं, बाद में वो स्टूल में हमें वो दिखाई देगा, लेकिन उससे पहले हम वो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट से ही पता लगाना पड़ेगा, जैसे एलिसा हो गया ये इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है, ठीक है। फिर बाइलरी और ड्यूओडेनल एस्पायरेंट से वो भी डायग्नोसिस वो कर सकते हैं, एन अल्ट्रासाउंड सो एडल्ट वॉर्म इन बाइल डक्ट, अल्ट्रासाउंड भी हम करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड में है वो बाइलरी डक्ट में है वो छोटे छोटे ऐसे वॉर्म वॉर्म जैसे वो दिखाई दे सकते हैं, है ना। और सीटी स्कैन रिवील न्यूमरियस बोरोज इन लीवर, तो लीवर का वो सीटी स्कैन लीवर अगर बहुत ही ज़्यादा अगर फैल गए लीवर में तो सीटी स्कैन से भी वो दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मेडिसिन होती है तो वो काइंड ऑफ बेंडी बेंडी करके आती है, बेंडाजोल, ट्राई बेंडाजोल, है ना। तो वैसे ही
हम जैसे कि वो चेरेरिया बैनक्रॉप्ट या करते थे निमेटोड्स में, तो वहाँ पे एल्बेंडाजोल होता है, तो बेंडी बेंडी करके बेंडा नाम है वो सब में आ रहा है। एल्बेंडाजोल जैसे वर्म, राउंड वर्म वर्म है यहाँ पे है वो, ये भी वर्म ही है प्लेटिहेलमिंथीज का, तो काइंड ऑफ वर्म ही है, तो इसमें भी है वो ट्राइक्लेबेंडाजोल है वो मेडिसिन है, वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे आ जाती है। बाकी बाइथियोनल एंड हाइपेटिक लार्ज डोज है वो इनका, वो होता है बाइथेनॉल का, और हाई इफेक्टिव, ज़्यादा इफेक्टिव है ये बाइथेनॉल एंड, लेकिन इसका कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा है, और लॉन्ग ट्रीटमेंट पीरियड है वो ट्रीटमेंट का, वो भी लॉन्ग रहता है। लेकिन जो ट्राइक्लेबेंडाजोल है वो इजी टू यूज है एंड 1 to 2 ओरल डोज है वो, 24 घंटे में, एक दिन के अंदर है वो, 1 से 2 ओरल डोज लेनी पड़ती है इनकी दवाई की, और वर्चुअली 100% इफेक्टिव है ना, तो ये इफेक्टिव भी है वो 100% है, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा है वो फेमस है ट्राइक्लेबेंडाजोल। एंड देन कुछ ज़्यादा ही है वो, क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, एडल्ट है वो बहुत सारे हो गए संख्या में, है ना, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया बाइल डक्ट को, बाइल डक्ट को जाम कर दिया, रोक दिया, लीवर में बहुत ज़्यादा फैल गया, तो हम फिर थोड़ी सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। देन अगर हम बात करें पोरोफाइलेक्सिस, मतलब उसको रोक किस प्रकार सकते हैं, तो रोकने के लिए पहले तो हमें देखना पड़ता है कि कौन कौन जिम्मेदार है। एक तो स्नेल जिम्मेदार है ना, क्योंकि इनके लार्वा का इंटरमीडिएट होस्ट कौन है, मीरासीडियम लार्वा जो होता है उसका होस्ट कौन है, उसका होस्ट है स्नेल, वो स्नेल में जाता है, फिर बाद में नेक्स्ट वाले वो रेडिया आस्पोरोसिस्ट, रेडिया सर्केरिया, मेटा सर्केरिया जो भी है लार्वा वो उसके अंदर बनते हैं, तो हम अगर स्नेल को ही है वो रोक देंगे तो वो लार्वा आगे ही नहीं बढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे तो उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, तो वो फिर रोग आगे बढ़ेगा नहीं तो ना, तो उसको इस उसके लिए बिकॉज स्नेल कौन से इनवर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट में भी कौन से फाइलम में है, मोलस्क फाइलम में है, तो मोलस्क फाइलम इसी नाम से है वो, साइड्स मोलस्क साइड ही क्या होता है उसको नष्ट करने वाला, तो मोलस्क की साइड है वो, कुछ केमिकल आते हैं जो कि मोलस्क फाइलम के कुछ एनिमल को वो नष्ट करते हैं, तो मोलस्क की साइड हम दे सकते हैं, उससे क्या होगा स्नेल नहीं रहेंगे, तो स्नेल नहीं रहेगा तो ये भी नहीं रहेगा फेशियोला भी, तो कीप हर्ट्स अवे फ्रॉम एक्वाटिक एरिया ना, तो एक्वाटिक एरिया से थोड़ा कम करना चाहिए एक्वाटिक एरिया को, या थोड़ा दूर रहना चाहिए, बिकॉज एक्वाटिक एरिया में ही है वो स्नेल वगैरह भी ज़्यादा होते हैं, और बेटर हर्डिंग प्रैक्टिस एंड वॉश एक्वाटिक वेजिटेबल इन 6% विनेगर फॉर 5 to 10 मिनट, तो जो एक्वाटिक वेजिटेबल होती है उनको हमें एकदम प्रॉपरली वॉश करके है वो खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लास्ट में जब स्नेल से है वो सर्केरिया लार्वा बाहर निकलता है, ये सर्केरिया लार्वा जब बाहर निकलता है तो ये सर्केरिया लार्वा किस पे अटैच होता है, ये सर्केरिया लार्वा जाके प्लांट के ऊपर अटैच होता है, और प्लांट पे मेटा सर्केरिया लार्वा बना लेता है, उस मेटा सर्केरिया लार्वा को प्लांट के साथ हम खाते हैं तभी है वो ये लीवर फ्लूक हमारे अंदर आता है, क्योंकि मेटा सर्केरिया बाद में एडल्ट लीवर फ्लूक में बदलता है, तो अगर हम इन प्लांट को है वो सीधा ही खा जाएंगे विदाउट धोए विदाउट वॉशिंग, तो ये हमारे अंदर इन्फेक्ट है वो कर सकता है, इसलिए हमें वो एक्वाटिक जो वेजिटेबल होती है उनको 6% विनेगर में 5 से 10 मिनट तक है वो धोकर वाश कर कर है वो खाना चाहिए, फिर एजुकेशन भी हम फैला सकते हैं, सो चीपेस्ट एंड मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे, थोड़ा एजुकेटिव करें लोगों को कि धोकर खाओ, कंटामिनेटेड फूड मत खाओ ऐसा करके, ठीक है, तो ये सब था रोकथाम, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।